हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अनिल विज आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां अनिल विज ने बड़ी ही गहनता के साथ कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अनिल विज ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कानून व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने गुरुग्राम में पुलिस के आला अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अनिल विज ने बताया कि उन्होंने आज सभी डीसीपी को ये निर्देश दिए हैं कि वो सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने का निरीक्षण जरूर करें। और क्या कुछ निरीक्षण किया अनिल विज ने और किस तरह के आदेश और निर्देश दिए हैं वो आपको दिखाते हैं। गांव के कानून व्यवस्था की डीसीपी वाइज मैंने सारी जानकारी ली, खास तौर से हीनियस क्राइम की क्या पोजीशन है और कितने केसेस पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग, उसकी मैंने जानकारी ली है। ट्रैफिक के बारे में जानकारी ली है, ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि लगभग 1100 कर्मचारी ट्रैफिक को देखते हैं, तो मैंने जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने कहा है। सभी डीसीपीज को मैंने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप बनाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है कि वो महीने में दो महीने में अपने एरिया के एमिनेंट सिटीजन्स के साथ वो मीटिंग करें। हर डीसीपी को मैंने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम अपना एक थाना विजिट करें, उसमें जाकर देखें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी कठिनाइयां हैं। और सभी डीसीपीज को भी और सीपी को मैंने कहा कि रोजाना 11 से 12 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसीज को सुना करें और ना केवल सुने, हर कंप्लेंट को रिकॉर्ड करें, अगर जरूरत पड़ती है तो एक पोर्टल बना लें, उसके ऊपर उसको दर्ज करें और उसकी क्या कार्रवाई हुई कंप्लेंट में। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जब से गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है वो तब से हरियाणा में कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की छवि और पुलिस के बर्ताव की अगर बात करें तो उसमें सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं और उसका नतीजा भी अब दिखने लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस में और ज्यादा सुधार की बात कही जा रही है, तो उसके साथ साथ पुलिस को हाईटेक बनाने के प्रयास भी अनिल विज निरंतर कर रहे हैं। फिलहाल खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।